वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट रूपाली आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सबको पता है होली आने वाली है, तो होली के लिए उससे पहले हम एक बड़गुले का जो ट्रेंड है, हम ट्रेडिशनल पीपल्स हैं तो हम फॉलो करते हैं, बड़गुले बनाते हैं, कुछ लोग मार्केट से खरीदते हैं और पर हम बहुत सालों से अपने घर पे गोबर लाके और बड़गुले छापते हैं। तो आज मैं बस आपको वही बताने जा रही हूँ कि हम कैसे बड़गुला बनाते हैं और कैसे उसको, मैं तो चाहती हूँ सब अपने घर पे बनाएं और बड़गुला। तो आज ये देखिए कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी पूजा करते हैं। अपन लोग राजस्थानी हैं तो राजस्थानी काम हमेशा कोई भी काम करते हैं तो पूजा से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जल लेंगे, जल से थोड़ा सा यहाँ पे इसको जब हम बड़गुले थापेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे सफाई करेंगे। सफाई यहाँ क्या मम्मी? Yes. ऐसे इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया, ऐसे बोलते हैं कि जब हो गई सफाई, पर अपन मानते हैं कि अपने जल के साथ अगर सफाई की जाती है तो बहुत ही वो अच्छा माना जाता है उसको। फिर हम उसको लीप रहे हैं, इस तरह से बोलेंगे जैसे मिट्टी में गांव में लीपते हैं उसी तरह। अब ये गांव तो रहा नहीं तो हम इसको ऐसे लीप दिया, इसको सफाई हो गई। फिर हम इसमें चौक पूरेंगे, सबसे पहले चौक पूरने के बाद इसमें तिलक पूजा करेंगे। पहले उससे हम पहले सबसे पहले चौक पूरेंगे। चौक पूर दो, अगर आप लोगों को चौक नहीं आता, चौक पूरना नहीं आता तो आप इसमें साथिया भी बना सकते हैं। लो तो हम साथिया बना देते हैं। हमने साथिया बना लिया है, अब हम इसमें बड़गुले थापेंगे। गाय के गोबर से बनाया जाता है क्योंकि गाय का गोबर को मानते हैं पवित्र शुद्ध एकदम, इसलिए गाय के गोबर से बनाए जाते हैं बड़गुले। और ये इको फ्रेंडली भी है, आपको कुछ मतलब बस चलो हम बनाते हैं। आज बना रहे पांच बड़गुले। निकाल लिया गोबर और मैं इसको बनाने जा रही हूँ। गाइस लोग तो इससे हेट करते हैं, पर गाइस आपको इससे हेट नहीं करनी चाहिए, बहुत ही पवित्र है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग मार्केट से लेके आ जाते हैं, पर मार्केट से नहीं, आप जब बनाओगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और आप एकदम अच्छा फिर खुद के हाथों से बनाया हुआ कुछ अलग ही मजा देता है। तो ये हम बना रहे हैं पांच बड़गुले पूजा के साथ, बाकी हम उधर बनाएंगे दूसरी स्पेस में। अब इसमें होल कर देंगे, ये बन गया हमारा फर्स्ट बड़गुला। कितना प्रीटी सा मैंने बना दिया है बड़गुला, ये फ्रेश गोबर से बनता है, गाय का गोबर ही लेना चाहिए वो ज़्यादा। तो ये मेरा बन गया है पाँच, एक कॉर्नर्स पे चार और एक बीच में बड़गुला बना लिया है। इसमें होल किया है जिससे कि हम इसको आराम से जब पूजा करेंगे तो पो के इसकी माला बनेगी। अब हम इसकी पूजा कर लेते हैं रोली और चावल के साथ। इसको थोड़ा सा अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लावर चढ़ा देते हैं। ये हमारी पूजा हो गई, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। रेडी, अब हम आगे और सारे बड़गुले बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे बड़गुले बन रहे हैं। चलिए, हेलो गाइस, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस बन रहे हैं हमारे, करीब करीब बन गए हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए एक ग्लव्स वाली मैडम बैठी हैं जिनको थोड़ी बदबू आती है, तो वो तो ग्लव्स अपना यूज़ कर रही हैं, उनके साथ बना रहे हैं। फिर भी स्मेल नहीं जाएगी आपके, आएगी ज़रूर, वो अपना गोबर, अपना गाय का गोबर है, वो ऐसा ही थोड़ा है, वो अपनी स्मेल आपको अंदर तक देगा, टेंशन मत लो। और मम्मी जी हमें असिस्ट कर रही हैं, इधर मम्मी है, वो हमारी जो हम लोग बना रहे हैं ये बड़गुले, और मम्मी जो बना रही है वो आर्टिस्टिक चीज़ें बना रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मम्मी ने बना दिया है साथिया, सूरज, नारियल, मैं बाद में और बताऊँगी आपको, सारा दिखाऊँगी। अभी जो आर्टिस्टिक चीज़ जो भी दिख रही है वो मम्मी के द्वारा बनाई जा रही है, और वो हमें असिस्ट, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं और वो हमारे को गाइड कर रही हैं क्योंकि हम लोग की नॉलेज अभी कम है। तो बना रही हैं और हम उनके साथ सीख रहे हैं, उनके साथ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, पूरे रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, करना चाहिए आजकल की न्यू जनरेशन को, ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आनंद आता है इसमें, बहुत ही आनंद मिलता है अगर आप बड़े, आपके बड़े लोगों से कुछ सीखते हैं, नया नया काम करते हैं, और ट्रेडिशनल तो कुछ अलग ही बात है। तो बन गया गाइस, ये जो बचा हुआ गोबर है इसको हम खाद के रूप में काम ले लेंगे हमारे गार्डन में। बाकी कुछ लोग इसके छाने बना के अपने ज्योति पूजा करते हैं, जो ज्योत में काम ले लेते हैं, पर हम लोग इसको खाद के रूप में काम ले लेंगे, प्लांट्स में यूज़ कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा आज का वीडियो, हो गए ये सारे बड़गुले हमें बना लिए। गाइस इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये
दोज से स्टार्ट करके दोज के टाइम से बनाए और एकादशी के बीच में आपको बनाना होगा, उससे पहले ही इसको बना ले। और हम इसको माला में पिरोने के बाद उसके बाद ये जो प्रहलाद गड़ेगा होली के टाइम पे, तो उसमें हम इसको चढ़ा देंगे अपनी पूजा पाठ के साथ और वहाँ पे चढ़ाने जाएंगे। तो बस हमारा ये बन गया है और आई एम सो हैप्पी कि हमने अपना ऐसे अच्छे से सब ने मिल के और बनाई और इतने सारे हमने एक ही घंटे में बना लिए। जब सब मिलजुल के काम करते हैं तो अच्छे से काम होता है और ब्यूटीफुल सा इतना अच्छा बन गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे नए नए वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। लाल बटन जरूर दबाइए और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बताएं आप भी बताएं अपना क्या बनाते हैं, क्या अगर बनाते हैं तो बताएं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, तब तक के लिए मास्क लगाना मत भूलिए, घर पर रहिए, अगर ज़रूरी हो भीड़ भाड़ी वाली जगह में मत जाइए, रूल्स फॉलो कीजिए। चाहे कोविड अभी थोड़ा कम हो गया फिर भी आपको अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करिए और सैनिटाइज करना तो बिल्कुल ना भूलिए अब, ठीक है, बाय।